जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान, गणेश किसान बलराम किसान के साथ, और हमें मोहम्मदी में, तेरा नाम बताओ। ये यंग डायनेमिक किसान है हमारा, प्रभदीप सिंह। प्रभदीप सिंह, पूरा एड्रेस? मोहम्मदी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। कहाँ पड़ता है मोहम्मदी? उत्तर प्रदेश। पढ़ता कहाँ है? मोहम्मदी में। नहीं नहीं, पढ़ाई स्टडी चल रही है? हाँ, प्लस टू हो गई। गुड, बहुत बढ़िया। इसको पकड़ना होता, सब जो बोलेगा उसी की तरफ दिखाना है वीडियो। अच्छा, अमित भाई ने पेट्रोलियम वाला है। हाँ, मेरे को पूरा नया साहब। हाँ, 25 जून से लेके कौन दे रहा है? मैं बता ये पड़ेगा आपको। क्या नाम सुना है? 12 रुपये की होगा, बहुत थोड़ा फार्म हाउस के नाम से। जी, जैसे मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी है, प्लेटिना भी है। नहीं, ग्राहक नहीं है मेरे लिए कोई भी। सुनो, बात नहीं सुन रहे मेरी बात। मेरा कोई नर्सरी नहीं है भाई साहब। बहुत बड़े स्तर का लैब है मध्य प्रदेश बड़वानी में, रेवा फ्लोरा कल्चर पर, बलराम भाई वाला और अपना वाला। हाँ, बलराम और हम साथ में ही हैं, सब कुछ अलग नहीं है। ये जो पौधा आपको मिल रहा है, जो मैं 23 रुपये का बोल रहा हूँ, एक पौधे से हम बना रहे हैं 80 पौधे। बाकी जो लैब है या जो 8 साइकिल तक अगर आप जाते हैं, भाई साहब पौधा बन रहा है जाके 1100-1200। तो 1200-1200 में अभी मोहम्मदी में खड़ा हो रहा है किसानों के पास। ये वीडियो आएगी, आप देखना। क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि 5 साल से केला खड़ा है, ऐसा केला हमने देखा नहीं। 65 रुपये में केला पड़ रहा है आपके साथ। सरदारजी है मोहम्मदी के, मैं वही लखीमपुर में विजिट करूँगा। अगर ये भाई जो बुलेट बुलेट की सीधी जो आता है, स्प्लेंडर स्प्लेंडर की, और स्प्लेंडर के रेट में बुलेट नहीं है। आप मेरी तरफ से एक पेड़ लेकर लगाओ, कह तक जाऊँ 10 लगाओ 20 लगाओ, कहीं भी ले लो, लेकिन रेट ये रहेगा। 1 साल हमारी गारंटी है, हम साथ में फ्री हैं, जो है बिकवाने से लेकर हर चीज़ तक। बी किसान जो गाइड दे रही है वो पूरे भारत में पूरे, मैं क्या कह रहा हूँ, जिनका आपने अभी नाम दिया था ना, नाम दिया था, उनके प्लॉट जाके देख के आना। मैं नंबर दूंगा उनको, मैं पा रहा हूँ हमारे तरफ चारों में। तो पूरा विश्व जो है बी किसान को कैप्टन साहब है, बागपत वाले इंस्पेक्टर साहब है सतीश शर्मा जी, और उनके छोटे भैया कैप्टन देवी में, उनका खेल जाके देखिए जो उसी का दिया हुआ है। वो कम खर्चे में वो ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब तुम्हें होते हम तो मर जाते। आज फर्टिलाइजर कितना महंगा, तो हमारे मन में पैसा कमाने वाली इच्छा नहीं है। और वो देने के बाद अगर वो ऐसा रिजल्ट नहीं, रास्ता कुछ नहीं, मेरी गाड़ी तो घर तक आई। गाइडलाइन के अनुसार उससे बेहतर रिजल्ट आप तुम मुझे गाँव बता दोगे, मोहल्ला बता दोगे, वहीं बता दो, बस गाड़ी निकल के बाहर आ गए। हमारे किसानों का तो नहीं नहीं, आपके खेत में पहुँचाएंगे, उत्पादन में अंतर नहीं पड़ता। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज करा देना, पौधा अभी बुक करा देना, बाद में मिलेगा। और दूसरी बात, अगर रेट में कहीं अंतर मिला 25 पैसे का भी, तो पौधा फ्री दूंगा। तो अभी कितने दिन से केले कर रहे हो, इससे बड़ी बात नहीं। मैं क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको 22 के इनको 23 के राम और गणेश में कोई अंतर नहीं। अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। अभी हम रसमलाई लेके आए, रसगुल्ला तो वही खाई है। और जैसे टेम्परेचर इस साल थोड़ा ज्यादा रहा है या अभी भी ज्यादा है, अबाउट 40 है, तो क्या इसका इसमें जो है क्या नुकसान, इससे थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है? पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत वेट कम आएगा, अगर मौसम आ जाता है, बारिश आ जाती है 15 दिन के बाद, तो सुधार हो जाएगा। मौसम का इफेक्ट तो गिरेगा, मैंने आपको बताया उसी समय बताया वहाँ पे कि गर्मी धूप जब लगेगी तो पौधे को चटकार लगेगी, तो फल जल्दी आ जाएगा, फल जल्दी आएगा मतलब वो पुअर आएगा।
तो वेट शायद कम ही रहेगा जी, बराबर। तो तीनों चीज़ें एक ही लाइफ में आ गई। अगर उसके लिए करना क्या है, हमें पहले से प्रोटेक्शन करके अगर रखा, जैसे हमारी गाइडलाइन में पहले शुरुआती चीज़ से होती है कि मेड पर चारों तरफ थोड़ा चारा भर दो, चारा भर के ठंडी के लिए भी काम करती है और गर्मी के लिए भी काम करती है। अभी सारे खेतों में अगर आप देखोगे तो सारे खेतों में पत्ते फट गए, वही हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन वॉल। जैसे हमें केले को बचाना है, केले की हाइट 10 फीट है, तो बाहर की हवा केले को ना लगे तो 12 से 13 फीट की हाइट हमारे मेड में चाहिए। तो वो गन्ना घास, नेपियर घास, और वो उतनी बढ़ती है। और हर किसी के खेत में मैं देख रहा हूँ कि मेड से 5 से 10 फीट अंदर ही लगा हुआ है आपके यहाँ पे। वो मेड़ों का उतना ये कंसेप्ट नहीं है कि मेड़ों तक भी काम कर रहे हैं लोग, मेड़ आराम से छोड़ी हुई है। तो कम से कम मेड़ से 5 फीट दूरी पर गन्ना घास लगा के रखो। केला अगर करना है तो गन्ना घास मतलब बाजरा जो बोया जाता है, बोलते हैं आपके इधर चरी, हां देसी गांठ है ना, देसी गांठ जो गांठी वाली का लगा हुआ जो चार चरी वाली जो जुंदरी जुंदरी नहीं नहीं जुंदरी नहीं चरी अगर लगा के रखी है, मूर बनाने वाली नहीं, जो लंबाई जाती है जिसकी लंबाई जाती है नेपियर वाली, जिसमें थोड़ा सा अंगूठे जैसी ये बनती है, डंठल बनते हैं, वो अगर लगा के रखा तो काफी मात्रा में आपको फर्क गिर सकता है। जो गर्म लू है उसके लिए भी और जो ठंडी लू है उसके लिए, वो वॉल बाउंड्री बन गई। तो केले में जड़ी तड़ी लेना ही आसान रहेगा, और आपके तरफ जड़ी तड़ी को भी अच्छा रेट मिलेगा क्योंकि केले में क्रश है, उतना केला नहीं है जितना खाने वालों की संख्या है। तो आप लोकल चैम्बर में भी दे सकते हो, दिल्ली बेचने जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आपके लोकल में ही इतने मैंने चैम्बर देख लिए हैं जो बाहर से गाड़ी आती है, दो चैम्बर है हमारे पास, तो यही की यही बेच दोगे आप। और केले में रेट है 30 रुपये 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है मुझे यहाँ पे, मेरे हिसाब से केला सर 50 रुपये में बिकता है यहाँ पर इस समय। तो इसमें होता क्या है, केले में दो क्वालिटी आप निकाल सकते हो आपके लोकल में, ऊपर के चार पंजे अच्छे क्वालिटी के आते ही हैं। अगर बंच मैनेजमेंट और स्प्रे शेड्यूल किया तो नीचे तक पंजे अच्छे आते हैं, लेकिन उसके ए और बी कैटेगरी तो आती है, क्योंकि नीचे का केला 7 इंच का रहेगा तो ऊपर का 12 इंच तक मिलता है। तो वो क्वालिटी ये 50 रुपये का रहेगा तो ये 30 रुपये का रहेगा, क्योंकि आप उससे केला खाते हो, उसके बाद में देखने के बाद केला खाता है ना। तो गर्म लपेट से हाँ, चारों तरफ से मेड के ऊपर अभी करना क्या है, गन्ना घास तो अभी तुरंत के तुरंत टर्मिनेशन नहीं होगी, आज लगाओगे तो 3 महीने बाद तो फसल ही खत्म हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन जड़ी तड़ी अगर रखनी है तो रखनी है अपने को, तो अभी से गन्ना घास लगा दो, थोड़ा सा मेड़ को सफा करके आपका खेत में जैसे देखा मेड़ सफा लेना है, नाली बना लो, थोड़ा सा पानी पूरे चारों तरफ चल जाए, क्योंकि आपके तरफ तो ड्रिप नहीं है कि मैं ड्रिप बोलूँ, गन्ना घास लगा दो। और अभी के लिए तुरंत तत्पर के लिए करो क्या कि कॉटन लगा दो, साड़ियाँ आपके यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन साड़ी जब भी लगाओगे तो साड़ी पे करते क्या, हमारे तरफ में बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं वो हरी वाली नेट मिलती है वो मैं लगा दूँ क्या, क्योंकि लोगों को क्या है पैसा देने के बाद ऐसा है कि आज पैसा दूँ कल मैं लेके आऊँ और अभी लगा दूँ, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ें वो काम वाली चीज़ें नहीं है। जैसे कूलर की हवा में हम लोग अगर बैठे, जाली के ऊपर हम पानी नहीं गिर रहा है तो वो हवा धीरे देगा क्या, नहीं देगा, वो गर्म ही हवा देगा। तो साड़ी वैसा ही काम करेगी, आपकी ग्रीन नेट वैसा ही काम करेगी, वो गर्म हवा को खाली वहाँ पे रोकेगी लेकिन अंदर गर्म हवा ही जाएगी। हरी वाली वहाँ पे अगर कुछ हो जिसमें पानी की मात्रा है, जैसे गन्ना घास चरी अगर लगाए तो गर्म हवा को क्या करेगी, यहाँ पे रोकेगी हरे पत्ते, तो वो ठंडी हवा को अंदर छोड़ेगी, तो ह्यूमिडिटी बनेगी जो केले के लिए चाहिए। आप बोलते हो हमारे तरफ बहुत पानी है तो मैं पानी में ही भिगो के रखूँ, वो भी गड़बड़ है। हमें वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल करके रखना है, तो केले में सबसे बेस्ट और अच्छा उत्पादन आप लोग, नहीं तो एग्रोनॉमिस्ट तो आएंगे, उनको तो दुकान चलानी है, वो हर तरह की दवाई आपको बोलेंगे, क्योंकि देखो पानी दिया ऊपर से सनलाइट आ रहा है, पानी को वापस आ जाएगा इस कंडीशन में पौधा ट्रेस में रहेगा, क्योंकि हो क्या रहा है रात में अगर देखोगे, हम लोग बाहर सोए थे तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में ठंडी लग रही है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में ठंडी लग रही थी,
तो ये तो पौधे के साथ भी होगा क्योंकि वो भी बाहर बढ़ रहा है। और दिन में 2 से 4 बजे तक गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कल 46 काउंट किया मैंने मोबाइल पे, जब बाहर निकालता था मोबाइल तो 46 टेम्परेचर। रात में ठंडी, दिन में गर्मी, सर्द गर्म में जब हवाएं मौसम बनता है तो पौधे के जड़ों का विकास नहीं होता और बैक्टीरियल फंगस ज़्यादा आती है। जो आपने मुझे छोटे छोटे पत्ते का जो उदाहरण बताया ना, वो बैक्टीरियल फंगस ही है, वो सॉइल बॉन्डिंग डिसीज आते हैं। पहले हमारे ज़मीन में कार्बन परसेंटेज रेशो नहीं है, पूरे पेड़िया जला रहे हैं, गेहूं के खातर जो अभी निकले हुए उनमें आग लगा दी थी। कल कम से कम 50 एकड़ खेती हमने ऐसी वीडियो बनाई है जो रास्ते पे दिख नहीं रहा था, तो हमने वो वीडियो बना लिया, पूरी आग लगा के घर पे सो गए थे। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल मिला के मिट्टी को बचाना है, सॉइल को जीवंत रखना है, सैंड होने से बचाना है। हमारे पास तो वैसे भी सैंड ही है, हमारी मिट्टी में सैंड है काफ़ी सारी, और सिलिका बहुत ज़्यादा है आपके तरफ, सिलिका बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बारीक बारीक मिट्टी की जगह पे सॉइल के पार्टिकल है, तो सिलिका ज़्यादा है। लेकिन ठीक चीज़ें है हमारे पास, तो जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारे मिट्टी में 108 से 110 एलिमेंट मिलते हैं। बाहर के प्रदेशों में आप अगर देखोगे, जैसे दुनिया में सबसे टॉपर खेती की जाती है बाहर, टमाटो वगैरह की, इसराइल वगैरह में सिर्फ खेती के लिए देखने जाते हैं ना लोग, वहाँ पे 3 से 4 ही एलिमेंट मिलते हैं। मतलब मिट्टी में उतना ही उनके पास, अपने पास ढेरों पड़ा हुआ है, लेकिन वो उठाने की सक्षमता नहीं है। पौधे को किस कौन से टाइम पे क्या देना चाहिए ये भी अपने पास नॉलेज नहीं है, और हम समझ भी नहीं पाते क्योंकि मौसम भी अपने हाथ में नहीं है। मैं आज के 15 दिन का शेड्यूल देकर जाऊँ, 15 दिन में शायद हो सकता है 1-2 बार बारिश भी गिर जाए। सर अभी जैसे रात को ठंड होती, दिन में गर्मी होती, तो क्या नीचे जैसे कॉपर ऑक्साइड है या कोई भी चीज सारे गिर देना चाहिए उस समय? नहीं, देखो होता क्या है, ये चीज़ें बाद में होनी चाहिए, पहले हमारा क्लाइमेट। जैसे गर्मी अभी बढ़ गई है, एक नॉर्मल बॉडी का मैं बता रहा हूँ, तो बॉडी में अभी पानी का पानी चाहिए, तो खाली पानी पीने से नहीं होगा, वो चीज़ें खानी पड़ेगी जिसमें पानी की मात्रा है, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं खाली पानी ही पीऊँ तो वो भी गड़बड़ होगा, डिचका देता है पानी, कभी कभी डिचक जाता है ना आदमी 3-4 ग्लास पानी पीने के बाद। ये चीज़ें रहेगी, अगर हमें पता है कि फंगस आने वाले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम लोग डाल दें तो वो भी तो गड़बड़ है ना। मिट्टी में वो जीव जीवाश्य जीवनम बना के रखना है, जैसे कचरा मल्चिंग मैंने बोला, वो बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलपमेंट करके रखना है जो वो पौधे को नहीं चाहिए। उस मिट्टी में मित्र बैक्टीरिया भी चाहिए, शत्रु बैक्टीरिया भी चाहिए, तो जिस टाइम पे जिससे जो फाइट करना है उस समय पे वो काम करते रहे, हमें पता भी ना चले। हमारी मिट्टी पूरी क्लीन है, अभी कुछ नहीं है, हम लोग पानी और खाद ही दे रहे हैं। कचरा मल्चिंग किसके खेत में? किसी के खेत में नहीं, जिसके खेत में है उसने जला दी है। अभी गेहूँ की बालियाँ हमने चुन ली, जो काड़िया खड़ी है वो जलाने से फायदा है क्या? आप उसको रोटावेटर करके डाल दो और पानी लगा दो और उसमें ये वाला क्या अभी बोया है आपने, धान ये बो दो, आपको इसमें 1.5 गुना ज़्यादा लागत मतलब लगेगी नहीं और फसल अच्छी आएगी, 1.5 गुना ज़्यादा अच्छी फसल आएगी, ये ध्यान में रख लेना। जिस जिसने इसमें रोटावेटर करके कल्टीवेटर करके डाल दिया है ना, इसमें खाली इसमें ट्रीटमेंट करना क्या है, ट्राइकोडर्मा आता है ऑर्गेनिक, ट्राइकोडर्मा का 1-200 लीटर के बैरल में 3 किलो लेकर उसको एक्टिवेट कर लेना और पानी के साथ छोड़ देना है ताकि बैक्टीरियल फंगस ना बढ़े, मित्र बैक्टीरिया फंगस वहाँ पे ज़्यादा रहे, तो जिसका ज़्यादा दबाव रहेगा वो कम वाले को दबा देगा। गन्ने की पत्ती डालो या आप कुछ भी डालो, पेड़िया वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दो तो फंगस वहाँ पे क्रिएट होगी। जाहिर सी है, जो चीज़ प्रकृति खींचेगी उसके साथ बैक्टीरिया भी बढ़ेगा, तो बैक्टीरिया काउंट क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और ख़राब बैक्टीरिया भी होते हैं, तो हमें कुल मिला के हमारे मिट्टी में अच्छे बैक्टीरियों की कॉलोनी डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बुरा रहेगा तो अच्छे को समझेगा या फिर अच्छा ही करके रखोगे तो बुरे का तो कोई समझ में नहीं आएगा। कुल मिला के हमें कचरा मल्चिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, जीव जीवस्य जीवनम की जो कॉलोनी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। आपके वहीं पे 5 ही पत्ते पड़े थे ना, देखा ना आपने, जहाँ पत्ता पड़ा था वहाँ पे आराम से उंगली अंदर बाहर जा रही है, और जहाँ पत्ता नहीं पड़ा है उंगली
टाइगर साहब उसमें उंगली घुसा घुसा के परेशान है। आपके सामने उंगली गया मतलब हमें मिट्टी में फुल मिला के हम लोग पानी किस लिए दे रहे कि मॉइस्चर कंटेनर है। अभी वहाँ पे मॉइस्चर भी कंटेन था, पोल पोल भी था, पौधे के पास क्या चाहिए, पौधा ऑक्सीजन भी लेता है, प्रकृति में जो ऑक्सीजन है वो भी लेता है, लेकिन पौधा खाली पत्तों से नहीं लेता है, नीचे से भी लेता है, तो जड़ें तो पूरे कॉम्पैक्ट हैं हमारे, पूरे बंद हैं, तो वो लेगा कहाँ से। वापसा कंडीशन चाहिए वहाँ पे, तो वो कब होगी, जब वहाँ पे होल पोल रहेगा, अंदर बाहर हवा सर्कुलेशन होगा, हाँ मित्र काल से ही डेवलपमेंट होगी तब। मतलब जमीन फुटरी चाहिए, फुटरी के लिए हम लोग को रोटा अंतर में कल्टीवेटर का दिमाग लौटता है, तो वो चीज़ें गड़बड़। इसीलिए हम लोग शुरुआत से लगाते समय से बोल रहे हैं कि एक बार खाली रोटावेटर कल्टीवेटर घुमाना है, उसके बाद में जो कचरा आया उस कचरे का फेंका दो, कचरे के नीचे कभी भी खाद खाद हम आप लास्ट वाले से थे गन्ने के साथ साथ वो लगभग 2 एकड़ में जो से निकला उधर नहीं थी, उसमें 2 एकड़ में पूरे में पैरावल थी। कब है वो पूरा बेड है ना बना हुआ उसके ऊपर होना चाहिए, पौधे के जड़ों के पास में थोड़ा सी टकना बेड पूरा भरा हुआ है, आपने बीच में लगा दिया। यहाँ पे कचरा मल्चिंग चाहिए, कचरा मल्चिंग से होता क्या है, कचरा मल्चिंग जहाँ पे रहेगी वहाँ के नीचे अंधेरा रहेगा। अभी लोग प्लास्टिक मल्चिंग क्यों डालते पता है, अमित कुमार जी के बाद आएंगे कि जड़ों को सेंस है, वहाँ से जाएंगे दिन में भी रात है, क्योंकि पौधे जो भोजन उठाने की उनकी प्रक्रिया है, जड़े भोजन रात को ही उठाती है और दिन में पचाने का काम करती है। पता नहीं कौन सा कचरा मल्चिंग ही करना चाहिए, कचरा मल्चिंग क्यों करना है, ताकि पूरा बेड अगर ढक के रखा कचरे की मल्चिंग से तो ऊपर से सनलाइट डायरेक्ट नहीं गिरेगी, कचरे के ऊपर गिरेगी तो नीचे सनलाइट नहीं पहुंचेगी, तो नीचे में सेंस किया जाएगा कि अभी भी अंधेरा है, तो जड़े उसका विकास करती रहेगी, मतलब वो खाद भोजन उठाने में दिन भर भी और रात भर भी काम करते रहेगी, तो पौधा आपका अच्छा और तंदुरुस्त रहेगा। और दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है, आपने जब भी देखा होगा दिसंबर और जनवरी में क्यों पौधा ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि सनलाइट उतनी इफेक्टिवदार नहीं होती है, और केला सन लिविंग क्रॉप है, इसको कम से कम दिन में 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 32 डिग्री का टेम्परेचर घर में 5 घंटे तो भी चाहिए, कितना 5 घंटे, अभी 8-8 घंटे मिल रहा है, तो 8 घंटे में मिल रहा है, तो प्री मेच्योर बेबी भी आ रहा है बाहर, जो पौधा अभी तक बंद पड़ा था बिना खाना पीना दिए ही भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि पौधे के पत्तों के ऊपर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बन रही है, जितना फोटोसिंथेसिस करेगा उतना भोजन लेगा, नॉर्मल चीज़ है, हम लोग जितना काम करेंगे जितनी ऊर्जा खपत हमारी होगी शरीर की बॉडी की उतनी हम लोग रोटियाँ खाएंगे, बराबर है कि नहीं। काम करने वाला बंदा और मालिक दोनों में फर्क होता है, काम करने वाला 4 रोटी खाएगा, मालिक कभी तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्टेज इतनी हो रही है, तो पौधा जितनी एनर्जी वेस्टेज करेगा मतलब अपने पौधे को बढ़ाने का ओरा जितना बनाएगा उतना भोजन मांगेगा, उतनी अपनी जड़ों को नीचे देगा, रीचिंग स्ट्रेक्ट देगा नीचे, वो नई जड़ी आएगी नया भोजन मांगेगा और उतना अच्छा फल, मैंने बोला आपको कि पत्तों की साइज जितनी बड़ी रहेगी उतना अच्छा फल आपके पास आएगा और उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, छोटा पत्ता छोटा फल क्वालिटी देगी। और पौधे को कम से कम जगह मैंने जो देखी रखी है 5x7 जीत गया नाली पानी गंदे बॉडी में पानी खाली कचरा मुंचेंगे कम समझ में, 6 दिन से लाइट नहीं है पानी नहीं दिया है, ये सारी समस्या किसान की समझ सकते हैं, लेकिन ये समस्या रियल है, ऐसा जानबूझकर नहीं किया हुआ है। दूसरा पत्तियाँ इन्होंने काट दी है, ये भी नहीं करना चाहिए, कई कई बार वो पत्तियाँ भी काट देते हैं अच्छा दिखने के लिए, लेकिन वो अच्छा दिखने के लिए हम लोग वो हाथ काट रहे हैं इसके अपने, आज के डेट में अगर 3 पत्तियाँ भी आप हरे वाले काट देते हो ना तो पौधा 15 दिन आगे चला जाएगा या 15 दिन पहले फ्लावरिंग ले देगा, ये ध्यान में रखना, 15 दिन आगे या 15 दिन पीछे, तो 15 दिन पीछे अगर चला गया तो फ्लावरिंग हो सकता है पुअर, वो छोटे छोटे बच्चे, एब नॉर्मल ग्रोथ एब नॉर्मल ही होती है। सर इसमें मैंने ये किया था जैसे 2 या 3 बार जो नीचे खुली आती उसकी कटिंग कराते हैं लोग, तो जैसे 2 पत्ते सूखे बिल्कुल जो डैमेज पत्ते हो जाते हैं
उनको धीरे से ऊपर की ओर नीचे की ओर काटते हैं, वो गलत उसमें पत्ता छूट जाता है तो खाली उसको ऐसा ऊपर हाँ तो दो सूखे पत्ते जब जब आप ऐसा खींचते हैं ना तो ऐसा वो ऐसा खुल जाता है। जब जब प्लेन रिटर्न करा तो दो पत्ते सूखे होते हैं हर बार, तो जो बिल्कुल डैमेज पत्ते हैं बारिश जैसे जून या जुलाई में शुरुआत हुई उस एक से दो बार दूसरी बारिश हो गई, दूसरी बार बारिश होने के बाद पता चला कि अभी बारिश का मौसम शुरुआत हो गया, क्योंकि एक बारिश कभी 10 तारीख को गिरती है तो बाद में फिर 25-30 को ही आती है, वो भी गड़बड़। और 10 तारीख को बारिश होने के बाद 20 दिन का अगर समय मिल गया धूप का तो वो सबसे खतरनाक और सबसे बेकार धूप होती है, अपने को भी पता है। गर्म लू इतनी भयंकर होती है, उमस बहुत बनती है, उसमें पौधे पिचकना, गिरना, पत्ते बाहर निकलना, ये सारी समस्याओं को पौधे को वो लेनी पड़ती है। तो उसके लिए पत्ती कभी भी दूसरी बारिश जब गिरती है अपने को लगा कि अभी मौसम ठंडा हो गया तो फंगस क्रिएट ना हो ह्यूमिडिटी में, तो तब वो पत्तियाँ काट के वहीं बिछा देंगे और उसके ऊपर जैसे कॉन्टेक्ट और फंगीसाइड का एक स्प्रे उसके ऊपर ले लेना ताकि उसकी ढास भी ऊपर बने, तब तक पत्ते कैनोपी ले लेते क्योंकि तो पत्ती नीचे की दो सूखी हुई है तो आपके पत्तों ने कैनोपी ऊपर ले लिए, पर पौधा कितना बड़ा है मुझे पता है, तो वो पत्ते जब वो एक दूसरे में अटकेंगे तब नीचे में जब हमने सूखी पत्तियाँ डाल के रखी तो उसके ऊपर हमें कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक का फंगीसाइड का एक स्प्रे लेना चाहिए, किसके ऊपर पत्तियों के ऊपर, ताकि उसकी ढास भी अगर उड़े ना तो वो पत्तों में जब जाएगी ढास तो वहाँ पे वो कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड को लेके जाएगा तो पौधे में टीकाकरण हो जाएगा, तो करपा सिगाटों का ये चीज़ें नहीं आएंगी। और कचरा मल्चिंग रहे तो फिर तो वो ढास वो नीचे ही बैठ जाती, कितना भी बारिश आए वो ऊपर जाने ही नहीं देता, ऊपर कचरा है तो वो जाने ही नहीं देती है परत। कुल मिला के हमें 70-30% भी किसान को पूरा फॉलो करना है, पौधा किसी का भी लगाओ लेकिन रेवा लगाओगे तो रेवा एकमात्र ऐसी कंपनी में है कि 4 साइकिल का पौधा देती है और 6 साइकिल का, साइकिल ही किसी को पूछ लोगे तो कोई नहीं बताएगा, नहीं बताते हैं। एक बार लगाने के बाद में सालों साल चलाने की प्रक्रिया जो है वो साइकिल मल्टीप्लिकेशन, जो लोग अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, अभी पौधे के रेट भी कैसे कम होते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे 8वें साइकिल में गवर्नमेंट ने नीति नॉर्म्स के अनुसार कि 2000 या 1500 पौधे बनाने हैं, मुझे पौधे की ऑर्डर 20 लाख मिल रहा है और मैंने 10 लाख की पौधे तो मैं आपको एक महीना पर रोकूंगा, 10 के सीधे 20 हो जाएंगे 9वें साइकिल में, 10वें साइकिल में 20 से डायरेक्ट 40 हो जाएंगे, पौधा तो फ्री हो गया ना, लेकिन पौधा हरा भरा और सारी चीज़ें आएंगी लेकिन उसका रिजल्ट उसका फीडबैक क्या रहेगा वो अपने को नहीं पता। वातावरण ने अच्छा सपोर्ट कर दिया, आपकी मेहनत अच्छी रही, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहा तो अच्छा फल देगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो वो जुताई करनी है। जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग है ना, वो भले ही उसको बीच में कहीं आजाद पछड़ ले या कुछ भी कर ले, उसका डीएनए अगर स्ट्रक्चर मजबूत है ना तो कई लोग ऐसे हैं कि बीमार अच्छे से अच्छी बीमारी से बाहर निकल के भी वो अच्छे से अच्छे स्टार्टअप ले लेते, वो है डीएनए। वैसे रेवा का डीएनए स्ट्रक्चर वो बना के दिया है तो किसानों को चाहिए। और आपके तरफ एक दूसरा और काम